हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास। व्हाट इज आवर टॉपिक ऑफ द डे? हैव यू ऑलरेडी नो दैट बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ मोशंस वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी बाय नोइंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी इन इट्स एक्सेलरेशन in a given time interval. But think that during the motion, if we want to calculate the displacement of a body in a particular second of its motion, then what formula we should use? So our topic of the day is the displacement of a body in a particular given second. So without wasting your time, let's start our class. So the topic of day is displacement of a body or distance. Traveled by a body in a rare second. Okay, this is the topic, distance traveled by a body in a rare second. Let me discuss something to understand this concept or topic. This is a Cartesian plane, this is the origin. A body A is placed at the origin of the Cartesian plane, and this body have the initial velocity u and start motion with the acceleration a and traveling along the x-axis. समझ रहे ना? एक बॉडी है जो इनिशियली हमने सपोज की है ओरिजन पे है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो हमने इसको प्रोवाइड की है वो u है. इट मे बी 2 meter per second, 5 meter per second, 3 meter per second, और इस मोशन में जो हम एक्सिलरेशन अज्यूम करने वाले हैं वो 1 meter per second square इन एम के एस सिस्टम. तो ये कुछ भी हो सकता है, ये भी 2 meter, 5 meter, 10 meter, 20 meter, जो भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो पॉसिबल है. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड टाइम भी हम इस एक्सेस पे मेजर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड में 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. सपोज करिए यहाँ तक कोई बॉडी ट्रेवल कर रही, तो हम स्टार्ट टाइम देखिए 1, 2, 3 एंड सो ऑन. यहाँ से हम इसको n सेकेंड्स तक ले जाएंगे. तो जो बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया है वो हुआ है यहाँ से यहाँ तक n सेकेंड तक. ये सपोज करिए n सेकेंड है. इससे ठीक एक पहले सपोज करिए ये 10th है, तो इससे पहले वाला 9 होगा. ये 8 है तो इससे पहले वाला 7 होगा. ये 7 है तो इससे पहले वाला 6 होगा. तो इस पहले वाले को हम क्या लिखेंगे? n-1. तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक n-1 तक, इट इज n-1. तो मीन डिस्प्लेसमेंट इन n-1 second इज दिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन n second इज दिस. तो अगर हमें पर्टिकुलर n second का चाहिए n second में, सपोज करिए ये n=10 है, तो 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगर हमें वो कैलकुलेट करना है. तो 10 सेकंड देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा. इससे पहले वाला जो n माइनस 1 है वो क्या होगा? अगर ये 10 है तो ये 9 हो जाएगा. तो यहाँ पर आके इट मीन्स यहाँ पे 9 कंप्लीट हो गया, और 9 जैसे कंप्लीट हुआ तो कौन सा सेकंड स्टार्ट होगा? 10th. तो 9 to 10 यहाँ तक जब तक पहुँचेगा तो ये 10th सेकंड की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा. सेम एज अगर हमें 8th सेकंड का चाहिए तो हमें क्या करना होगा? ये 9th होगा और 9 से पहले वाला 8th. तो 8th से जो स्टार्ट होगा 8th यहाँ पे आके फिनिश हो जाएगा और यहाँ से नेक्स्ट वाला 9th स्टार्ट होगा. तो इट मीन्स अगर हमें ये n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए है वो सिर्फ इतना होगा n-1. अलग से एक लाइन पे शो कर रहा हूँ मैं आपको. ये टोटल है, ये यहाँ तक n सेकंड, दिस n सेकंड, और इससे एक पहले n-1, और मोशन यहाँ ओरिजन से स्टार्ट हुआ है. इसको हमने sn-1 एज्यूम किया है यहाँ तक,
और इसको ऐसे अज्यूम किया है यहाँ तक, तो ये जो पोर्शन है, ये डिफरेंस, ये होगा एफ एंथ सेकेंड में। यही हमें कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें और ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा हमारा एन सेकेंड में। यही हमारा आज का टॉपिक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इन अ रेयर सेकेंड एंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। हम ये भी लिख सकते हैं इन द एन सेकेंड ऑफ मोशन। तो सपोज करते हैं इफ एफ एन विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन एन सेकेंड्स एंड एफ एन माइनस वन इफ इन एन माइनस वन सेकेंड्स। देन द then the distance traveled by the body in nth second is कितनी हो गई है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग, एफ nth अगर हम इसको सपोज करेंगे तो एफ लिख सकते हैं एफ एन इक्वल्स टू एफ एन माइनस वन। एन सेकेंड में जितनी ट्रेवल की है उसमें से एन माइनस वन सेकेंड में जितनी ट्रेवल की है उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखते हैं फ्रॉम फॉर्मूला कौन सा होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यह क्या है एफ एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन एन सेकेंड एंड एफ एन माइनस वी इफ एन माइनस वन सेकेंड देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन एन सेकेंड इज, और यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं एक्सीलरेशन ऑफ द मोशन इज ए, जो मोशन में एक्सीलरेशन है वो ए है। तो इक्वेशन क्या होगी टी टाइम के लिए क्या होती है एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ हमने टाइम को टी के बजाय एन से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ इक्वेशन अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखें तो एफ एन क्या होना चाहिए एफ एन इक्वल्स टू यू टी के प्लेस पे एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और एस एन माइनस वन को जब रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा यू एन माइनस वन यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर मीन्स एन माइनस वन सेकेंड की बात हो रही है एन माइनस वन स्क्वायर। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा एफ एंथ। ओके आप इसको यहाँ लिखिए सफिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है एन सेकेंड के लिए, तो एफ एन सेकेंड इक्वल्स टू फॉर्मूला ऑलरेडी आपके सामने है एफ एन माइनस वन। इन वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखिए एफ एन की वैल्यू हाफ एन वन बाई टू ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन होल हाफ स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लेते हैं देखते हैं क्या मिलता है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस इन साइड द ब्रैकेट पहले इसको ओपन करते हैं यू एन माइनस यू प्लस वन अपॉन टू ए और इसको ए माइनस वी के होल हाफ स्क्वायर से ओपन कर देते हैं एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन ए माइनस वी होल हाफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए वी। ओके अब आप देख रहे हैं जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा यू एन ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव हो जाएगा यू एन एंड यू एन इज कैंसिल तो रिमेनिंग टर्म इज वन अपॉन टू एन स्क्वायर आउटसाइड द ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं देखते हैं माइनस यहाँ जो टर्म आया है ये माइनस है और ये इनसाइड भी माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू फिर ये चेंज होगा ये माइनस हाफ हो गया ए और इनसाइड द ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं देखते हैं वन अपॉन टू ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस वन अपॉन टू ए एन स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं इनसाइड साइन चेंज होंगे ये जो माइनस है तो ये माइनस ही है ये नेक्स्ट वाला प्लस है ये माइनस हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू ए ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया नेक्स्ट वन इज माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टू ए
इंटू टू एन. ओके अब फिर से देखते हैं, ये हाफ एन स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये हाफ एन स्क्वायर इज निगेटिव. तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास में क्या क्या है, देखिए यू बच रहा है. फिर नेक्स्ट इसको हम ऐसे लिखते हैं वन अपॉन टू ए इंटू टू एन, ये पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव या निगेटिव वाला, इसके बाद लिख लेते हैं वन अपॉन टू ए. ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे. देखते हैं डायग्राम में रब किए देता हूँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं. एफ एंथ इक्वल्स टू दिस वन यू प्लस, इन दोनों टर्म में देखिए वन अपॉन टू ए कॉमन है, सो प्लस वन अपॉन टू ए इज कॉमन इन साइड द ब्रैकेट. वन अपॉन टू ए तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये टू एन बचा है माइनस, और ये पूरा का पूरा कॉमन है तो सिर्फ वन बचेगा माइनस वन. तो दिस इज द फॉर्मूला एफ एन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी इन अ गिवन पर्टिकुलर एन सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस वन अपॉन टू ए टू एन माइनस वन. मीन वी नीड ओनली द इनिशियल स्पीड एक्सेलरेशन एंड द नंबर ऑफ रेयर सेकेंड, जैसे कि ये फिफ्थ सेकेंड है, सिक्स सेकेंड है, टेन सेकेंड है. इसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन वन मैं सॉल्व करा देता हूँ. लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ ए गिवन u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, द बॉडी मूव विद द एक्सिलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ये गिवन है किसी पर्टिकुलर मोशन के लिए, द बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड द एक्सिलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो क्वेश्चन इज दिस, फाइंड आउट find out the displacement of body in 12th second. Okay, this is the question. इस particular topic पे बेस्ड this type का question possible है. आपको initial speed given है, acceleration given है, और जिस second particular second में 12th में चाहिए, तो आपको पता है concept के according 13 second तक की distance को हम 12 second तक की distance दो हमें मालूम हो, तो 13 में जितना ट्रेवल किया है, 12 में जितना ट्रेवल किया है, इन दोनों को हस्तक कर ले आ जाएगा. लेकिन ये सिंपल तरीका था जो मैंने इनिशियली डेरिवेशन में अप्लाई किया है, अब तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, तो अब इनिशियल पता है, तो एस 12 लिख सकते हैं यहाँ पे, एन सेकंड या कौन सा है 12, और वैल्यू अप्लाई कर देते हैं 5 इज इनिशियल, टाइम कितना है 12 सेकंड की बात हो रही है, तो यहाँ टाइम की तो अब ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ये फॉर्मूले में यूटी नहीं है, अब तो जस्ट यू आया है, ओनली इनिशियल स्पीड इज रिक्वायर्ड. प्लस वन अपॉन टू ए इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड, टू एन दैट इज 2, और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 सेकेंड में चाहिए, मीन्स एन इक्वल्स टू 12, तो 12 माइनस 1 सॉल्व करिए फिर 5 प्लस 1/2 दिस इज कैंसल, दिस इज 12 इंटू 2 24 माइनस 1 दिस इज 5 प्लस 23, 5 प्लस 23 इज 28, दैट इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर 12 सेकेंड इज 28 मीटर. ओके दिस इज द आंसर. तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की ज़रूरत है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर नाउ व्हाट वी हैव टू डू टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर गिवन सेकेंड व्हेन इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ए. और अगर यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 गिवन होती क्वेश्चन में, तो आप यू के प्लेस पे 0 पुट कर देते, तो कंडीशंस आर सेम. और नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन एंजॉय एंड गुड बाय.